सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फिलहाल थोड़ा सा माहौल, मतलब थोड़ा घबराने वाला चल रहा है पूरे यूपी में। अगर मैं बात करूँ यूपी के पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, बात करने वाले हैं अभी अपन। और इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो इस साल आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से हो रही हैं, जैसे कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का इंक्रीज़ हो जाना और कट ऑफ का इतना ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन हो जाना, रैंक का इतना हाई इन्फ्लेशन हो जाना। तो इस वीडियो में हम लास्ट एक चर्चा करने वाले हैं, एक लास्ट जो सेशन मैं आप लोगों के साथ रख रहा हूँ। सो बेसिकली इसमें मैं मतलब कल आप लोगों की लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की, तो आप ये आज ये पूरा वीडियो देख लीजिए सो दैट जो आप लास्ट पॉइंट तक जो बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं वो आप उठा सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, मतलब पूरा डिस्कशन हम लोगों के बीच में इसी रिलेटेड होगा जो अभी तक मतलब यूपी से रिलेटेड लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस आए हैं, लेटेस्ट जो भी चीज़ें हो रही हैं यूपी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड, उस बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुले थे 4, जिसमें से 3 PPP मोड के अंडर में आते हैं, और जो 4 नए मेडिकल कॉलेजेस खुले थे उसका फी स्ट्रक्चर रिलीज हो चुका था, ठीक है। तो उसकी ट्यूशन फीस रखी गई है 12,14,683 रुपीस। तो जैसा कि मैंने अपनी जो PPP मॉडल वाली जो वीडियो रिलीज की थी उसके अंदर जो चीज़ें मैंने बताई थी वो चीज़ें अप्लाई नहीं होते हुए नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो हम लोग एज अ एक्सपेक्ट कर रहे थे, एज्यूम करके बैठे थे कि जो यूपी गवर्नमेंट होगी वो किस प्रकार इम्प्लीमेंटेशन करेगी PPP मॉडल का, तो कुछ खास अच्छी तरीके से नहीं किया है। फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा हाई है और कुछ खास आप लोगों को उन मेडिकल कॉलेजेस में बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वो कॉलेजेस बेसिकली आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में मत रखिए, और जितना मतलब हो सके कि जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, जिनको कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, वही लोग अपनी मेडिकल कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट में उन 4 नए मेडिकल कॉलेजेस को डालना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है उनमें इतना मतलब ज़्यादा प्रेफर करने की, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर भी उनका हाई है, ट्यूशन फीस के साथ साथ मिसलेनियस भी वो लोग लेंगे जो गवर्नमेंट ने सेट किए, प्लस हिडन चार्जेस भी वो लोग रखने वाले हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर ली जाए, जो हमारा महाराजगंज में जो KMC मेडिकल कॉलेज खुला है उसमें तो कैंपस में ही हॉस्पिटल नहीं है, 14 किलोमीटर्स दूर बना हुआ है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की भी अलग से फीस लगा देने वाले, ये बात तय है, ठीक है। तो ये कंडीशन मतलब मुझे खराब लगी, बहुत बेकार लगी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेसिकली जल्दबाजी में मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम कि मतलब जो यूपी में इस साल जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखने को मिले हैं, मेरिट लिस्ट भी रिलीज हो चुकी है, आप लोग मेरिट लिस्ट में अपनी अपनी स्टेट रैंक चेक कर चुके होंगे, तो 25,831 रिकॉर्ड ब्रेकिंग आप लोगों को इस बार देखने को मिले हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं बता दूं तो इट वाज 18,717 थे, काफ़ी ज़्यादा इस बार एप्लीकेंट्स देखने को मिले हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि एक तो मतलब ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, राउंड 1 फ्री एग्जिट हो चुका है, और इस बार कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये जो लिस्ट निकल करके आई थी जिसमें 25,831 बच्चे हैं, उसमें से कुछ बच्चों ने सिक्योरिटी फीस नहीं दी थी, 2 लाख रुपए जमा नहीं किए थे, वो सिर्फ 2,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करके अपना अपना नाम दर्ज करवा दिए। तो बेसिकली जिन लोगों ने 2 लाख रुपए दर्ज नहीं किए हैं वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, तो कुछ बच्चे इसमें से रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है जो आप लोगों के साथ कम्पीट करने वाला है फर्स्ट राउंड में सीट्स के लिए, इसमें से रिड्यूस होकर ही कुछ बच्चे जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे लिस्ट में, ऐसे नई लिस्ट वो लोग अपलोड नहीं करेंगे, अब सीधा आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर ही रिलीज होगा। पर इतना मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि थोड़े से बच्चे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो लास्ट ईयर मेडिकल कॉलेजेस का जो स्टेट रैंक के हिसाब से कट ऑफ रहा था, मतलब किस किस स्टेट रैंक पे, आखिरी स्टेट रैंक पे मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया था, तो यूपी के टॉप 18 मतलब 18 जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं टॉप के, मतलब वैसे तो देखिए 30 से ज़्यादा हैं, 35 समथिंग हैं, लेकिन मैं अभी माइनॉरिटीज़ को नहीं गिन रहा हूँ, नॉन माइनॉरिटीज़ में जो टॉप 18 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी अगर स्टेट रैंक का कट ऑफ मैं अगर आपके साथ डिस्कस कर लूँ, जैसा कि आप मेरे से बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि बॉस प्लीज़
थोड़ा बता दीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए ये स्टेट वाइज सॉरी ये कट ऑफ वाइज ऑर्डर है पूरा, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले शारदा 5587, तो यूपी में स्टेट रैंक ये मैं बता रहा हूँ, इसमें इस नंबर तक आखिरी तक एडमिशन हो गया था इस कॉलेज में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शारदा का मैंने बता दिया। उसके बाद श्री राममूर्ति 6354, फिर हिंद बाराबंकी 6511, मुजफ्फरनगर 7946, इंसीतापुर 7995, केडी मथुरा, कांति देवी मथुरा 8891, देन सरस्वती हापुर 8948, देन रोहिलखंड बरेली, रोहिलखंड बरेली का है 9301, नोएडा निम्स 9808, रामा कानपुर 10053, यूनाइटेड प्रयागराज 10193, सुभारती मीरठ 10276, हेरिटेज वाराणसी 11,094, जीएस हापुर 11,482, रामा हापुर 11,618, देन टीएस मिश्रा 12,117, देन मायो बाराबंकी डॉक्टर केएनएस 12,124, एंड देन कम्स एनसीआर मीरठ 12,550। सो बेसिकली ये हमारा नीट 2023 जो लास्ट ईयर का स्टेट रैंक के हिसाब से कट ऑफ है वो मैंने आपको बता दिया है कि इस रैंक पर बच्चों को एडमिशन मिल गया था। तो आप लोग इस साल का अपना अपना स्टेट रैंक देख लीजिए मेरिट लिस्ट से और कंपेयर कर लीजिए। देखिए एग्जैक्ट ये फिगर तो नहीं आएगा, जहां तक हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो आप चॉइस फिलिंग में जो आपने अपने मेडिकल कॉलेजेस डाल करके रखे हैं, जो सोच करके रखे थे, वो जरूर करिए, ट्राई बिल्कुल कीजिए आप लोग। ऐसा नहीं है कि लिस्ट देख करके आपको घबरा जाना है और उम्मीदें कम हो गई हैं, चांसेस लो हो गए हैं, तो आप लोगों को लिस्ट में से नाम हटा देना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। लिस्ट में नाम हटाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लिस्ट जो आपने बना करके रखी है उसमें आपने जो नाम डाले हैं वो आप लोगों को डाल करके रखने हैं, ठीक है। अब देखिए एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है, किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ टॉप 18 मेडिकल कॉलेजेस के डिस्कस कर लिए। अब चौथा पॉइंट जो अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जिसका सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो है कोर्ट में जो हाई कोर्ट में अपील कर दी गई है उसका फी हाइक, मतलब फी इंक्रीज के लिए। देखिए क्या है ना, 2020 के बाद फीस बढ़ी नहीं है, 21-22-23 तीन साल से कोई फीस में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है, तो बेसिकली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को होने लग गई बहुत ज्यादा तकलीफ, ठीक है। तो अब उन लोगों ने कोर्ट में अपील कर दी। अब कोर्ट जो है वो कम से कम मिड सितंबर के बाद आप लोगों को बताएगा कि फीस में कितना बढ़ाव देखने को मिल रहा है, कितना हाइक देखने को मिलने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या होने वाला है कि जिनकी फीस 11 लाख से कम है, ट्यूशन फीस 11-12 लाख है, वो भी बढ़ने वाली है, और जिनकी फीस 15 लाख से कम है वो भी बढ़ने वाली है। अब बढ़ करके कितनी जाएगी ये किसी को भी नहीं पता। जो हम लोग आपसे YouTube पे चर्चा करते हैं, जो Instagram पे चर्चा करते हैं, भाई एग्जैक्ट फिगर देखिए किसी को नहीं मालूम। एक परसेंटेज जो होता है वो किसी को नहीं पता, ठीक है। आप पूछेंगे तो कोई इंसान अपनी तरफ से ऐसे कोई श्योरिटी नहीं दे पाएगा कि कितनी फीस बढ़ सकती है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि कोर्ट के ऊपर दबाव डालने वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले, ठीक है, और जहां तक उम्मीद है वो कोशिश करेंगे कि फीस बढ़े, बिकॉज उन लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। इतने सालों से वो सोच रहे हैं कि फीस नहीं बढ़ा रही है सरकार, यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ये वो, तो वो लोग पूरी पूरी जान लगा देंगे फीस बढ़ाने में, ठीक है। अब कई सारे इंस्टीट्यूट्स ने, कई सारे मेडिकल कॉलेजेस ने तो अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली ये चीज डाल दी है कि अगर फीस बढ़ती है तो बच्चों को फीस जो बढ़ेगी उस हिसाब से ही देना पड़ेगा, और एडमिशन तो आपका पहले ही हो चुका होगा, मतलब आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि कितनी फीस बढ़ रही है और एडमिशन आपका पहले हो चुका होगा, तो देखिए इस कंडीशन में तो आप बहुत बुरा फंस जाएंगे, ठीक है। बाकी इतना मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि हिंद सीतापुर और हिंद बाराबंकी में अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं निकला है, कोई वेबसाइट पे नहीं चीज डाली गई है कि उन लोगों की भी फीस बढ़ने वाली है, इतना अभी तक मैं कह सकता हूँ। लेकिन बाकी मेडिकल कॉलेजेस जैसे शारदा वगैरह हो गए, इन लोगों ने तो अपनी वेबसाइट पे लिख दिया है, ठीक है। काफी सारे कॉलेजेस पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फीस बढ़ जाए, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज कल है आप लोगों की चॉइस फिलिंग की आखिरी डेट। कल आप लोगों को चॉइस फिलिंग जो है वो
11 बजे तक लॉक कर देनी है, 11 AM PM नहीं AM, आप लोगों को लॉक कर देनी है। लॉक अगर आप नहीं करेंगे तो आप लोग बाहर हो जाएंगे, पूरा वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, फर्स्ट राउंड से आप बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए आपको आज ही के आज ही वीडियो देख करके अपनी चॉइस फिलिंग पूरी एक कंप्लीट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 8 to 9 मिनिमम, एटलीस्ट 8 से 9 कॉलेज आप लोगों को लिस्ट में डालने हैं, ठीक है, इससे कम मत डालिए। देख करके रखिए सारे कॉलेजेस के एडवांटेज डिसएडवांटेज मेरिट्स डीमेरिट्स प्रोज एंड कॉन्स, और आप लोगों को ये कॉलेजेस एटलीस्ट फिल करने पड़ेंगे 8 to 9, बिकॉज बैकअप ऑप्शन जितना ज़्यादा लेकर के रखें उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज इस बार काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस फेल हो रहे हैं, यूपी से काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए आप लोगों को इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा फॉर योर सेफ साइड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है आप लोगों की, तो वो परसों मतलब 30th August को रिलीज हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा 30 तारीख को कि आप लोगों को कौन सा मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है। चॉइस फिल आप कर दीजिए, फिर उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए 31 August से आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन 30 तक मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि सारा मतलब जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें किन किन बच्चों का एडमिशन हो गया है, मेरे पास एक प्रॉपर लिस्ट बन करके आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली आप लोगों से पहले ही पता चल जाएगा कि आप लोगों का कौन से कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, ठीक है। बाकी आप लोग अपना MBBS का जो अलॉटमेंट लेटर रहेगा वो 31 को डाउनलोड कर सकेंगे, और फिर उसके बाद 5 September तक आपकी एडमिशन प्रोसेस पूरी चलेगी। तो 5 September तक जो एडमिशन प्रोसेस आप लोगों की चलने वाली है उसमें मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी सारे काम होंगे, आप लोगों को आप अपने नोडल सेंटर पे विजिट करना होगा जो कि बेसिकली RML होता है लखनऊ में, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को विजिट करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद वहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करने हैं वो एक लिस्ट मैंने पिछले साल यूट्यूब शॉर्ट्स पर डाली थी, वो मैं एक बार और उसकी वीडियो रिलीज कर दूंगा अपग्रेडेड वर्जन फॉर NEET 2024 एस्पायरेंट्स, वो मैं जस्ट इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपने अपलोड किए हैं उनसे अलग हटके उनसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं वो, उसका अरेंजमेंट मैं आप लोगों को पिछले 1-2 महीने से कह रहा हूँ कि वो करके रखिए। स्कूल से आपको यदि कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो लेके रखिए, ठीक है। आप लोगों ने गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाए तो बनवा के रखिए, अगर आप ड्रॉपर्स हैं आपने ड्रॉप लिया है, आपने उस बीच क्या किया, आपने नीट से एडमिशन से पहले और 12th से बाद आपने क्या किया, आपने कहीं पे कॉलेज में एडमिशन ले लिया BSc की, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम की इसी एग्ज़ाम की तैयारी की, तो वो सब आपको बताना पड़ता है गैप सर्टिफिकेट में, तो वो आप नोटरी पे जा करके बनवा करके रखिए, बिकॉज वो आपको देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आपको नोडल सेंटर पे जा करके अपनी सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है, और फिर उसके बाद जैसे आप लोगों के डाउट्स होते हैं कि बुक्स कौन सी लेनी है, यूनिफॉर्म क्या होगी, तो ये सारे डाउट्स मैं आप लोगों को एडमिशन के बाद क्लियर कर दूंगा, बिकॉज होपफुली आप लोगों की क्लासेस 1 October से स्टार्ट होंगी, तो इसमें आप लोगों के पास 15 से 20 दिन 25 दिन का टाइम है, इस टाइम में ये सारी बातें चलती रहेंगी अपने लोगों की, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स आप लोगों के एडमिशन होने के बाद क्लियर हो जाएंगे, अभी आपको फोकस रखना है अपनी काउंसलिंग पर। और देखिए कोई भी काउंसलर, जैसे मान लो आपने कोई काउंसलर ले लिया 40,000 50,000 1,00,000 कितने रुपए का भी, वो आपको श्योरिटी नहीं दिला सकता है कि इस कॉलेज में आपकी सीट पक्की है, ठीक है। कोई भी काउंसलर ऐसे श्योरिटी नहीं दिला सकता है, तो कृपया करके ऐसे स्कैम में नहीं पढ़ना है आप लोगों को कि वो कह रहा है कि मैं आपको इतने स्कोर पर ये सीट दिला दूंगा वो कर दूंगा। देखिए सारा गेम जो है वो एल्गोरिदम पर है, सारा आप लोगों की किस्मत पर है किस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाएगी। इसमें काउंसलर अगर ये बोल रहा है कि हम एक्स्ट्रा चार्ज लेकर के वो सीट बुक करवा देंगे तो एकदम स्कैम कर रहा है वो, आप लोगों को झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को उनकी बातों में नहीं आना है, ठीक। बाकी अब देखिए लास्ट डे है, लास्ट में वीडियो डाल दे रहा हूँ, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा मेरा पिछले 2-3 महीने जो मैंने वीडियोस अपलोड करी वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू आया आप लोगों की तरफ से। मेरे साथ आप लगातार यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जुड़े रहे, मैं आप लोगों की क्वेरीज जितनी हो सकता था क्लियर कर पाया। देखिए मैं अपनी तरफ से जितना टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ, जितना मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ उतना करता हूँ, ठीक है। आप लोग भी समझिए इस बात को कि इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है,
कि मैं पूरे टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, अभी भी जैसे मैं राखी के ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन में घर पे गया हुआ था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों के लिए। अभी मैं वापस कॉलेज आकर के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि एटलीस्ट एक दिन पहले भी अगर बच्चों को थोड़ा बहुत हेल्प हो सके तो हो जाए। ठीक है, यही मेरा मेन मोटिव है, और होपफुली आप लोगों को बेटर से बेटर अपना कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक, सो गुड लक फॉर ऑल दीज थिंग्स, आप लोगों का जल्दी से जल्दी MBBS में एडमिशन हो जाए, ऐसा मेरा मानना रहेगा। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर सच अ गुड इंट्रैक्शन ऑल दीज प्रीवियस टू थ्री मंथ्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।